के जाने के बाद जो ओशो पूना सेंटर को लेकर, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर फॉरेनर्स में और इंडियंस में झगड़ा हुआ, कोर्ट तक मैटर गया। बाद में कोर्ट से डिसीजन भी आया कि ओशो की जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दैट बिलोंग्स टू ऑल हिज डिसाइपल्स। ओके, कई मेन शाखाएं हो गई, तीन चार जो मुख्य शाखाएं चल रही हैं जो उनके ही शिष्यों की हैं या उनका कोई सचिव है या उनका कोई, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या आपका सोच विचार है, क्या ठीक है क्या गलत है, ऐसा भी मन में विचार आता होगा, या कौन आजकल अच्छा काम कर रहा है इसको लेके भी आप सोचते होंगे? एक्चुअली क्या है कि जितना बड़ा वृक्ष होता है उतनी शाखा और बड़ी होती है, जितना बड़ा वृक्ष होता है उतनी ज्यादा शाखा निकलती है उसमें से। ऐसा ही जब ये गुरुजेब एक्सपायर्ड हुआ तो इमीडिएटली जो एक स्कूल था उसमें से 8 स्कूल हो गए और 8 अलग अलग उनके जो प्राइम शिष्य थे वो 8 स्कूल अलग अलग चलाते, सबका अलग अलग थोड़ा बहुत प्रिंसिपल है, लेकिन मेन प्रिंसिपल जो मेडिटेशन का है वो तो सबका एक ही है। ऐसे ही ओशो का भी इतना बड़ा वृक्ष है कि उसमें भी काफी शाखा होगी और अभी समझो फिलहाल 3-4 शाखा हुई है अलग अलग और बढ़ती जा रही है और भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ओशो एक ऐसे है कि उन्होंने सबके ऊपर बोला है, ऑल एनलाइटन लोगों के ऊपर बोला है, कि कबीर के ऊपर इतना बोला है तो कल ऐसे शिष्य होंगे कि खाली कबीर को ही फॉलो करें। अभी गुरुजेब के ऊपर बोला तो लोगों को पता चला, तो अभी इंडिया में भी 2 गुरुजेब स्कूल आ गए ओशो की वजह से आए। कहाँ कहाँ पर है? एक सेंटर दिल्ली में, एक राजकोट में, एक बॉम्बे में। जरूर ओशो की कोई फॉलोअर नहीं चालू किया? ओशो सब ओशो वाले ही है उसमें। अच्छा सर, ये बताइए आज की तारीख में जितने भी बाबा टीवी पर आ रहे हैं उन्हीं को बाबा बोलते हैं जो टीवी पर आते हैं, वो सब ओशो का माल जो है चुरा चुरा के बेच रहे हैं और उनका कहीं नाम नहीं लेते हैं, और उसमें ज्यादातर ओशो के या तो शिष्य रहे हैं या कहीं ना कहीं एक दो बार उनके शिविर में गए रहे हैं, या नहीं भी गए तो उनकी किताबें पढ़ पढ़ गए चुरा चुरा के। तो ये सबको लेकर के कुछ कॉपीराइट या कोई प्रिवेंशन एक्ट ऐसा कुछ नहीं है कि एटलीस्ट जिस आदमी की आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसका नाम तो आपको एक क्रेडिट लाइन देना चाहिए? नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन ओशो ने क्या किया है कि जब ये केस कोर्ट में गया कॉपीराइट का, तभी जो लोग मिस बोल रहे थे कि कॉपीराइट होना चाहिए या तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, या तो जैसे वो रिबेल पब्लिकेशन है जर्मनी जिसने केस किया था, वो लोग चाहते हैं कि नहीं ओशो का सबको वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वही टाइम जो ओशो के यहाँ के फॉलोअर थे उन्हें ओशो का ही सीडी सुनाया कोर्ट में। ओशो ने खुद ने बोला है कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है हवा और पानी है, कोई भी यूज कर सकता है। तो फिर वो केस उधर ही निकल गया, जब उनके खुद के आवाज में ही उन्होंने बोला हुआ है कि मेरी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो हवा और पानी है, कोई भी यूज कर सकता है। और दूसरा मेरे हिसाब से अच्छा है, चलो वो बात भी ओशो का प्रचार होता है, कोई बाबा या कोई स्वामी या टीवी पे ओशो का कोटेशन देता है, भले ओशो का नाम ना ले, लेकिन लोगों को तो अल्टीमेटली सच पता चल ही जाता है। चलिए ठीक है, तो अभी ओशो की क्या मुख्य देशना है जो आपके हिसाब से उनको इतना पॉपुलर बनाए हुए है, और आज भी ओशो इज द सेकेंड लार्जेस्ट रीड पर्सनालिटी वर्ल्ड वाइड? देखो एक्चुअली क्या है कि ओशो का जो मेन प्रीचिंग है वो मेडिटेशन है, और जितने भी एनलाइटन लोग हुए उनका भी वही प्रीच था कि हाउ टू मेडिटेट। और मेडिटेशन में एक ऐसा है कि आदमी जो सच में मेडिटेशन करे तो क्या है कि एक टाइप का अल्फा रेज उसमें से निकलने लगता है, दैट पर्सन बिकम बिलव टू मैनी पीपल, लोग उसको प्रेम करने लगते हैं। अभी ओशो का भी इतना लिटरेचर और इतना प्रेमी, आप सोचो एक आदमी को इतने लोग प्रेम करते क्यों करते, ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आदमी थॉटलेस हो जाता है, जैसे जैसे अवेयर होने लगता है, ऐसा ही बिकम ए रिजर्वर ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो शक्ति विचार में डे ड्रीमिंग में और जो शक्ति जा रही है जो एनर्जी
अननेसेसरी टॉक में वो सब रिजर्व होने लगते हैं, इट बिकम्स अ रिजर्वायर. इफ आई डू मेडिटेशन बाय एंड बाय माय एनर्जी विल इंक्रीज, माय अवेयरनेस विल इंक्रीज एंड लीकेज ऑफ एनर्जी विल स्टॉप. ओके, सो दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ एनर्जी इन मी, दैट बिकम्स अ रिजर्वायर. तो जो भी एनलाइटन लोग हुए अभी तक, महावीर, कृष्णा, ओशो, बुद्धा, जो भी है, दे बिकम रिजर्वायर ऑफ एनर्जी. तो वो लोग मैग्नेट बन जाते हैं. Okay. लोग खींचे हुए आते हैं उनके पास, दूर दूर से. तो वो लोग ने तो खाली मेडिटेशन सिखाया, और मेडिटेशन से तो काफी हर व्याधि दूर हो जाती है, और फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग, और आदमी सुखी सुखी हो जाता है. ओशो का कोई मेन खजाना है जो आज भी अमेरिका में जहां वो गए थे वहां पर सुरक्षित है, और ऐसा सुरक्षित है कि उस जगह पर अगर हिरोशिमा और नागासाकी जैसे 10 बम भी डाल दिए जाएं तो वो कभी नष्ट नहीं होगा. ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. क्या है कि वो ऐसा कुछ आप प्रिजर्व भी नहीं कर सकते, और ऐसा कुछ है नहीं. उनका जो प्रेम है, उन्होंने जो दिया है लोगों को, वो लोगों के हृदय में इतना बैठ गया है. अच्छा अच्छा. कि जो उसके फॉल्ट प्रेमी है या तो जो भी आदमी साइंटिफिक है, जो ओपन है, जो सुनने समझने के लिए तैयार है, उसके हृदय में वो शो बैठ ही गए. वो तो रहेगा ही, उसमें यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय. क्योंकि क्या है कि उनका खाली आदमी चलो मेडिटेशन भी न करे, खाली उनको पढ़ ले या समझ ले या सुन ले, तो भी वो काफी कॉम्प्लेक्स से मुक्त हो जाता है, और काफी उनका जो अननेसेसरी जो दुख है वो निकल जाता है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. क्योंकि उनका जो मान्यता है, ये वो जो समझ में तो अनसमझ सब निकल जाता है. अच्छा जीतू सर, आप क्योंकि वैज्ञानिक हैं, जैसा कि मुझे पता है आप वैज्ञानिक हैं और आप मेडिटेटर भी हैं, तो एक वैज्ञानिक हो और फिर वो आध्यात्मिक भी हो तो एक नई चीज पैदा हो सकती है. तो क्या कोई ऐसी खोज आपने अभी तक की है, या कोई ऐसी प्रोसेस आपके दिमाग में चल रही है जिसके तहत ही कहा जा सकते है कि हाँ ये आपका इन्वेंशन है? नहीं, मुझे क्या है कि मैं बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, मुझे एक बेनिफिट हुआ कि मैं लोगों को साइंटिफिकली समझा सकता हूँ. तो क्या हो गया कि अभी के जो लोग है, खास करके यंगस्टर और बाकी के लोग भी, उनको मेरे से एक फायदा हुआ कि कई ऐसी लॉजिक थी कि जो वो समझ नहीं पाते थे, वो मैं साइंस का सहारा लेके उनको समझा पाता हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेट. बाकी तो क्या है कि वो मेडिटेशन भी एक टाइप का साइंस ही है. साइंस ही है. अच्छा जीत भाई, आपकी लाइफ के कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट जो मेमोरेबल होंगे आपके लिए, अगर आप याद कर पाए तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं. फ्रॉम द राइट फ्रॉम द योर चाइल्डहुड टू टिल टुडे, जिन्होंने टर्न किया आपकी लाइफ को, एक नई दिशा दी. एक्चुअली क्या था कि हम लोग जब छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तभी मुझे याद है कि ऐसा हमारे टीचर ऐसे लिखने के देते थे, अगर मैं प्रधानमंत्री होता. अच्छा. कि अगर मैं ऐसा होता, कि अगर मैं कुछ और होता, हाँ. अगर मैं पायलट होता तो क्या करता था. तो हमारे हमको ऐसा एक ऐसे दिया हुआ था कि आपको लक्की करने का, किसको प्रधानमंत्री बनना है प्रधानमंत्री बन सकता है, किसको कुछ बनना है बन सकता है, जो भी बन. तो मैंने ऐसा लिखा, अगर मैं भगवान होता. अच्छा अच्छा, ग्रेट. और मैंने ऐसे लिखा था. और वो टाइम क्या था कि हमारे फैमिली में गांधी जी का बहुत प्रभुत्व था. मेरे पिताजी एक नंबर के गांधीयन थे. तो मैं भी वही सोचता था कि अगर किसी को भगवान होने आए तो उसको गांधी जी जैसा बनना चाहिए. अच्छा. तो गांधी जी आज नहीं तो कल धीरे धीरे भगवान की रेखा में आ जाएंगे, ऐसा मैं समझता था. और मैं ऐसा भी समझता था कि जो गांधी जी कर रहे हैं सेवा लोगों की, ऐसा अगर कोई सेवा करता चला जाए तो धीरे धीरे वो भगवान हो जाता है, ऐसा मेरी समझ थी. लेकिन जैसे ही मैं ओशो के कांटेक्ट में आया, वो भी गांधी जी की वजह से आया. बिल्कुल बिल्कुल. तो क्योंकि ओशो ने गांधी जी के ऊपर बोला, तभी मुझे पता चला
कि ये मैं कुछ जो मान रहा था समझ रहा था वो गलत है, गलत है। और सबसे बड़ा मुझे जो टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे और गांधी जी के साथ थे, उसकी वजह से हमारा फैमिली एकदम गरीब है चला गया, और हम लोग इतने भाई बहन थे, और फिर मदर भी गरीब की वजह से एक्सपायर हो गए, तो इतनी गरीबाई में हम लोग आ गए कि मुझे अनाथ आश्रम में जाना पड़ा। क्या बात कर रहे हैं? मैं समझो ने करीब करीब 7 साल रहा ऑर्फनेज में, क्योंकि फादर मदर एक्सपायर हो गए, आई वाज द यंगेस्ट एट द एज ऑफ समझो ने माय मदर एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 2.5 एंड फादर एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 9। तो इतनी गरीबी में आ गए कि मैं समझो 7 साल नहीं 14 साल हॉस्टल में बड़ा हुआ, उसमें 7-8 साल तो ऑर्फनेज में था। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं ओशो को सुना, पहले तो मैं गांधी जी का फॉलोअर था, तो मैं ऐसा समझता था कि गरीबी तो अच्छी चीज है, गरीबाई में जीने में क्या तकलीफ है, गरीबी तो एक प्रतिष्ठा है, ऐसा जैसे गांधी जी बताते थे और ऐसा हम लोग मानते थे। अच्छा अच्छा, बराबर। तो मैं कोई ऐसी दरकार नहीं करता था पैसा का भी। लेकिन मैंने जब ओशो को पहली बार सुना और वो भी गांधी जी के लिए मैं गया था, क्योंकि वो गांधी के ऊपर बोलते थे, तभी उन्होंने पहली बार बताया कि देखो गरीबी रोग है, गरीबी को प्रतिष्ठा मत दो। जो गांधी जी ने बोला होगा लेकिन वो गलत है, कितना भी बड़ा आदमी गलत बोलता है तो ज्यादा गलत हो जाता है, लोग फॉलो करने लगते हैं। लेकिन पता नहीं वो लेक्चर में उन्होंने जो बताया गरीबी के बारे में, मेरा एकदम दिमाग फट गया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मुझे इतना रियलाइज हुआ कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, और ये गरीबाई इसलिए है कि मैं गरीब हूँ ऐसा मान के चलता हूँ और गरीबी को प्रतिष्ठा देता हूँ, और वो भी गांधी जी की वजह से, मेरा तो कुछ अपना आइडिया है नहीं। जब ही ओशो ने पहली बार बताया कि गरीबी महारोग है और जो आदमी पैसा भी नहीं कमा सकता है वो तो धार्मिक कभी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना भी एनर्जी नहीं है जिसमें पैसा कमाने की, वो धार्मिकता में तो कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। तो वो शब्द मुझे इतना चौट कर गया और वो दिन से मैंने मेरा पूरा एटीट्यूड चेंज कर दिया। ओके।